तो नमस्कार दोस्तों, जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं, जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करते हैं, खास करके बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, जो बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के साथ आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे। क्योंकि मार्केट के अंदर से आप लंबे समय से मार्केट के अंदर तो हो, लेकिन मार्केट के अंदर से कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा करके जा रहे हो। क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप मार्केट के अंदर से प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं बन पाए हो, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। क्योंकि आपको सीखने से पहले ही आपको ऐसी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये चीजें आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं करने हैं, जिसके वजह से एक ट्रेडर बर्बाद होता है। सारे रीजन बताऊंगा ओपनली मेरे भाई, जिसके बारे में कई सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हम ये गलती कर रहे हैं, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता है इसके बारे में, क्योंकि आप सामने से देखते हो तो कुछ और हो, लेकिन स्टॉक मार्केट बैक से कुछ और होता है, ठीक है ना। तो इसके रियलिटी को सबसे पहले समझो, उसके बाद मार्केट के अंदर आप आओ, तब जाकर के मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करने वाला हूं, तो सारी चीजों को आपको एक एक करके यहाँ पे नोट करना है और सारी चीजों को ध्यान से यहाँ पे समझना है, ठीक है ना, कि क्या कारण है, क्या रीजन होते हैं जिसके वजह से कभी भी ऑप्शन ट्रेडर के अंदर यहाँ पे मार्केट के अंदर से एक बिगनर ट्रेडर तो पैसा नहीं कमा पाते हैं, और क्या क्या कारण है, क्या क्या मिस्टेक है जो आप भी करते हो। मिस्टेक गलती मार्केट का नहीं होता, गलती आपका भी है, ठीक है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और सबसे पहले मेरे भाई, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीच बीच में क्लास लेकर के आता रहता हूँ, जो आपको एक दिन पहले ही आपको पता चल जाता है, सारे अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जो जूम क्लास के अंदर करता हूँ उसका लिंक हम यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं डाल पाते हैं, ठीक है ना, इसके वजह से हम आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे आप लोगों को क्लास के अंदर इंट्रोल होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो सारे लोग यहाँ पे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से आप हमेशा मार्केट के अंदर से लॉस पे लॉस फेस करते हुए आ रहे हो, और वो भी लंबे समय के अंदर इतना ज़्यादा लॉस कर दिया है कि मार्केट के अंदर से अब ट्रेड करने से भी डर लगता है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए दोस्तों, आपके यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स होती है किसी एक चीज को फॉलो नहीं करना। जनरली बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, हमेशा से बोलते आया हूं मेरे भाई कि आप हमेशा एक चीज को फॉलो करो। कोई भी आपका सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी लॉजिक हो, कोई भी ऐसी चीजें हो जिसको देख करके मार्केट में ट्रेड करो, उसको हमेशा एक बार बारीकी उसको टाइम एक्सपेंड करने के लिए समय दो। सबसे पहले मिस्टेक्स तो यही लोग कर रहे हैं कि किसी एक चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपने स्ट्रेटजी भी सीखा हुआ है, कहीं से भी सीखा हुआ है, तो आपका सबसे पहला मिस्टेक तो ये होता है कि स्ट्रेटजी सीखते ही मार्केट के अंदर सीधा पैसे लेकर के आ जाते हो ट्रेड करने के लिए। अब तो मैंने स्ट्रेटजी सीख लिया, अब यहां से हमें भर भर के प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं पर आप लोगों को होता है बड़ा वाला लॉस। क्यों? क्योंकि आपने उस स्ट्रेटजी के बारे में सिर्फ आपने देखा है। मैं भी जब स्ट्रेटजी बताता हूँ तो वहां पे मैं बोल देता हूँ हमेशा, देखो मेरे भाई मैं भी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो इसको सबसे पहले मार्केट में जाकर के अपने हिसाब से आप उसको बैक टेस्टिंग कर लो, 7 दिन 15 दिन बैक टेस्टिंग कर लो, उसके बाद मार्केट में पैसे लेकर के आओ। क्योंकि उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है, हमने उसके ऊपर ट्रेड किया है, आपको नहीं पता है ट्रेड करने को लेकर के। तो जब तक आप पेपर पे उस स्ट्रेटजी के ऊपर पेपर पे ट्रेड कर करके 7 दिन 15 दिन 1 महीने तक ट्रेड नहीं करोगे, तब तक उस स्ट्रेटजी के बारे में पता ही नहीं आपको चलेगा कि कब मार्केट ये लॉस देता है स्ट्रेटजी, कब नहीं चलता है, कितने टाइम फेल होता है, कितना टाइम प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट देता है तो कितना देता है, लॉस देता है तो कितना देना है, सारी चीजों को एनालाइज करना होता है। उसके बाद मार्केट में हमें एक प्रॉपर पैसा लेकर के मार्केट में एंट्री करना होता है। लेकिन हमारे बिगिनर भाइयों के साथ क्या है कि मार्केट जैसे 9:15 में स्टार्ट हुआ, अब मार्केट को देख रहा है ना, अब ग्रीन कैंडल थोड़ा सा बन गया ना, यहाँ तुरंत के तुरंत एंट्री बनाएंगे। अब उसका लॉजिक कुछ नहीं है, तुरंत के तुरंत एंट्री मारेंगे कि भाई ग्रीन कैंडल बना हो, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। वहां से क्या होता है, वहां से साइडवेज होता है और मार्केट एक बड़ा वाला रेड कैंडल बना देगा, बस हो गया आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म, खत्म हो गया मेरा भाई, और आपके कैपिटल के ऊपर भी लॉस होना स्टार्ट हो गया। एक दिन लॉस जनरली देखते हो, दूसरा दिन लॉस फेस करना पड़ता है, लगातार जब आप लॉस पे लॉस फेस करते हुए आते हो ना, तो मार्केट के अंदर डर बना होता है। तो सेकेंड चीजें होती है मार्केट के अंदर से डर। डर भी एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से ऑप्शन ट्रेडर पैसा नहीं कमा पाते हैं। अब इस बातों को मैं इस वजह से बता पा रहा हूँ क्योंकि देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप 200-300-400 रुपये कमा रहे हो तो कुछ भी नहीं कमा रहे हो, क्योंकि इतना जनरली लोगों का लॉस होता है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाहता हूँ, उसको सबसे पहले अपने आप से लिंक करके देखो कि आपने मान लो एंट्री किया किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर 100 रुपये के भाव से, उसका भाव अगर 110 हो गया, 120 हो गया, तो वहां पे आप लोगों को 200-300-400 रुपए का जो भी आपको प्रॉफिट हो जाए, वहां से प्रॉफिट लेकर के आप फटाक से भाग जाते हो, या फिर 500-700 का प्रॉफिट लेकर के भाग जाते हो मार्केट के अंदर से। जब मार्केट बंद होता है तब आप अपने आप को सोचते हो कि भाई अगर रुके रहते मार्केट के अंदर तो आपने 500 रुपया कमाया था ना, वही 500 रुपया हमारा यहाँ पे 7000 बन सकता था, 4000 बन सकता था, 3000 बन सकता था,
लेकिन हमने सिर्फ 500 रुपये प्रॉफिट लेकर के निकला है। तो कब तक चलने वाला है मेरे भाई? तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर डर के ट्रेडिंग करोगे, जल्दी एग्जिट करोगे प्रॉफिट में, तो आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। और तीसरा रीजन ये भी है कि मार्केट के अंदर से बड़ा प्रॉफिट नहीं करता है, उसके वजह से भी मार्केट के अंदर लॉस होता है, ये बात समझ लो। क्योंकि आपने 500-500 रुपये का आप लगातार प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका कोई तो लॉजिक है ही नहीं सबसे पहले, और लगातार प्रॉफिट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा होगा तो जाएगा ही। जब जाने की बारी आएगी, तो जहां पर आपने 3 दिन 4 दिन 500-500 रुपये का प्रॉफिट कमाया था ना, चौथा दिन एक ही दिन में सारा का सारा लॉस कर लोगे, और अपने आप के ऊपर, कैपिटल के ऊपर भी लॉस कर लोगे, ठीक है ना। और एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम के चक्कर में ना जाने कितने बिगिनर ट्रेडर बर्बाद हुए हैं, कितने लोगों का यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि टेलीग्राम वाले आप लोगों को दिन भर में पता नहीं कितना ट्रेड देते हैं, ओवर ट्रेड करवाते हैं, तुरंत कॉल बाई कर लो, तुरंत पुट बाई कर लो, फिर से कॉल बाई कर लो, फिर से पुट बाई कर लो। भाई इतना तो आप ही कर सकते हो क्या? आप एक चीज हमें कमेंट करके बताना, सारे लोग कमेंट करके बताना, क्या आप टेलीग्राम के भरोसे मार्केट के अंदर से हमेशा प्रॉफिट कमा पाओगे, लंबे समय के लिए मार्केट के अंदर टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो टेलीग्राम के थ्रू, तो आपको टेलीग्राम तो बता रहे हैं मेरे भाई, आप देखोगे जनरली इसी वजह से मैं लोगों को ट्रेड नहीं देता हूँ। कई सारे लोग हमसे नाराज होते हैं कि आप टेलीग्राम पे मुझे ट्रेड क्यों नहीं देते हो, इसी वजह से नहीं देता हूँ कि सीखने के ऊपर कोई नहीं फोकस करेगा, हमेशा दूसरों के ट्रेड को लेकर के वो मार्केट के अंदर से कभी कभार प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन अगला दिन फिर लॉस भी हो जाएगा मार्केट के अंदर। और इसके बारे में वो लोग नहीं सोचेंगे कि अगला दिन लॉस होगा, भाई मुझे ट्रेड दे दो, मुझे कुछ नहीं एनालिसिस कुछ नहीं करना है, मुझे सीखना नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पे लोगों के ट्रेड को कॉपी करना है बस। तो इस तरीके से नहीं चलने वाला है मेरे भाई। जब तक आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट के अंदर से कभी भी लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन आपको टेलीग्राम वाले प्रॉफिट करवा दे, लेकिन छठा दिन वो बड़ा लॉस भी करवाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा कोई भी 100% नहीं होता है। उसके लिए जब तक आप अपने आप को मार्केट के अंदर नहीं झोंकोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सोचा है हमेशा बोलते हुए टेलीग्राम टेलीग्राम, इसी वजह से मैं लोगों को ट्रेड नहीं देता, क्योंकि आज मैं ट्रेड ले लूँगा, आज यहाँ पे ट्रेड आपको करवा दूंगा, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन आपको प्रॉफिट करवा दूंगा, उसके बाद आपका क्या होगा? तो इसीलिए मेरे भाई हमेशा नॉलेज के प्रायोरिटी दो, हमेशा नॉलेज के पीछे भागो। जहाँ पर नॉलेज मिल रही है वो चीज़ें लो, कोई सिखाने के लिए बुला रहा है तो वहाँ पे जाओ, लेकिन कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम आपको ट्रेड देंगे तो वहाँ पर मत जाना। हमेशा से बोलते हुए आया हूँ, लेकिन कई लोग समझते नहीं है, ठीक है ना। अगला सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि लोगों को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल को कम करना और लगातार अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, सबसे बड़ी गलती उन लोगों को यही होता है कि स्ट्रेटजी को चेंज कर देता है। नहीं मेरे भाई, स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, हर स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन बस उसको एनालाइज करना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना, उसको एनालाइज करके पकड़ना होता है उन चीज़ों को। और जितना भी बड़े बड़े ट्रेडर को देखोगे, ये लोग टेलीग्राम के भरोसे यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बना है, ये खुद के ऊपर काम करके प्रॉफिटेबल बना है। तो आप अपने आप के ऊपर काम करके प्रॉफिटेबल बनिए, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने खुद यहाँ पे मार्केट के मार्केट को इतना टाइम दिया है कि वो अपने आप में एक खुद यहाँ पे मार्केट के बारे में वो चीज़ें सीख करके आया हुआ है, और खुद उसको यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है कि ये चीज़ें होती है, ये पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ें होती है जिसके वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सारे लोगों का पैटर्न अलग अलग होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं किसी और तरीके से पैसे कमाता हूँ, कोई अगला बंदा होगा वो किसी और तरीके से पैसे कमाते हैं, तो हर लोगों का नज़रिया होता है स्टॉक मार्केट को देखने को लेकर के अलग अलग होता है। यहाँ पर 10 लोग इस कमरे के अंदर होंगे तो 10 लोग एक ही ढंग का नहीं होगा, सारे लोग सारे ढंग के होंगे, सारे लोग सारे ढंग का बात विचार का होगा, उसका कॉमन सेंस, उसके थॉट प्रोसेस, हर चीज़ चेंज होगी। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए हर एक ट्रेडर के अंदर एक कॉमन चीज़ होती है कुछ ना कुछ, ठीक है ना, और उसी के बेसिस पे वो लोग पैसा कमाते हैं। और अपने आप के ऊपर आप वो चीज़ें नहीं डाल पाते हो, क्योंकि आपको दूसरे को ट्रेड करना है, दूसरे के ट्रेड को कॉपी करना है, टेलीग्राम के भरोसे ट्रेड करना है, स्ट्रेटजी को चेंज करना है लगातार 4 दिन 5 दिन के बाद, ओवर ट्रेड करना है, तो इसके वजह से तो आप तो बर्बाद हो ही जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को ट्रेड को देख करके कॉपी किया हुआ है, ठीक है ना, अपने आप के ऊपर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो अब भाई मेरे, मैं हमेशा से बोलते हुए आया हूँ कि अपने आप के ऊपर, सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक मार्केट के अंदर कुछ नहीं कमा करके जाओगे, ठीक है ना, ये मेरा गारंटेड है। और एक और यहाँ पे गलती होता है लोगों से कि छोटा प्रॉफिट लेकर के आज निकल जाओगे छोटा प्रॉफिट, लेकिन अगला दिन क्या हो? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर जब तक छोटा छोटा प्रॉफिट लोगे ना, तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ये गारंटेड है मेरा। हमेशा से बोलता हूँ मैं, जब तक छोटा प्रॉफिट लोगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। उससे बढ़िया है कि मेरे भाई स्टॉक में कर लो, इक्विटी में कर लो, क्या दिक्कत है, उससे बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना, उससे बेटर ऑप्शन है मेरे भाई।
आपको करना ही है, 200-300 रुपये प्रॉफिट ही कमाना है, तो इससे बढ़िया आप इक्विटी में चल जाओ, वहाँ पे लॉस भी कम होता है, ठीक है ना भाई। स्टॉक के अंदर ट्रेड करो, क्या दिक्कत है, इंट्राडे कर लो स्टॉक के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके अंदर, इतना बढ़िया से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, सारी चीज़ों को देखना होता है, निफ्टी फिफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक्स है, कौन से ऐसे यहाँ पे सेक्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को भी देखना पड़ता है, लेकिन आप अकेला बैंक निफ्टी को देखते हो तो इसी वजह से आपको मार्केट के अंदर लॉस फेस करना पड़ता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करके भी मार्केट को देखना होता है, और बिगनर ट्रेडर ये सारी चीज़ों को नहीं करते, और इसी वजह से उन लोगों को आज तक मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा पाया। तो मेरे भाई हमेशा एक डिसिप्लिन को फॉलो करो, रूल को फॉलो करो, एक अपने आप में रूल बनाओ कि ये सारे रूल है, और मार्केट खुलते ही एंट्री मत करो, बिगनर ट्रेडर 10 बजे के बाद ही ट्रेड करो, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे बिगनर स्टेज में था तो 9:15 होते ही मार्केट के अंदर घुस जाता था और वहाँ पे ट्रेड करने लगता था, ठीक है ना मेरे भाई। जब धीरे धीरे मैं यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ पे मार्केट के अंदर रहा तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अपने आप बिल्ड होती गई, तो वो चीज़ें आप अपने आप के ऊपर भी यहाँ पे करो, ठीक है ना। टेलीग्राम के भरोसे मत रहो, और ऐसी गलती करना भी नहीं, कई सारे लोग इसी की वजह से बर्बाद हुए हैं, आज टेलीग्राम पे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, कल उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन सीखा कुछ नहीं, मार्केट में हमेशा घूमते रह गए। तो भाई घूमने का आप लोगों को आदत है तो घूमो, कुछ नहीं कर सकता है इसके बारे में कोई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जब तक इस तरीके के यहाँ पे सोच को रखोगे, ठीक है ना, किसी एक चीज़ को पकड़ो और उसी के ऊपर मास्टरी कर लो, कोई एक स्ट्रेटजी को पकड़ो उसी के ऊपर यहाँ पे झोंक दो अपने आप को, उसी के ऊपर यहाँ पे ये लेकर के आओ, कुछ ना कुछ चीज़ों को फाइंड करो उसके अंदर, अपने आप स्ट्रेटजी को बना लोगे, अपने आप वो स्ट्रेटजी आपके अंदर आ जाएगी। मैंने बोला ना, हर एक ट्रेडर के अंदर सारी चीज़ें कॉमन होती है, हर एक ट्रेडर का यहाँ पे ट्रेड करने का स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है ना मेरा, और वही चीज़ आपको बताता है। तो हमेशा सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे लोग कमेंट करके बताना है मेरा, तो आप सीखने के ऊपर चाहते हो सीखना यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देता हूँ बीच बीच में, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।